जब भी किसी सेलिब्रिटी की शादी होती है तो हर दिन उसकी जिंदगी से एक किस्सा ऑडियंस तक पहुंच ही जाता है। शाहिद कपूर की शादी होने वाली थी, तब पता चला किस लड़की से होगी, फिर पता चला कहाँ होगी, फिर पता चला शादी की गेस्ट लिस्ट में कौन कौन से नाम हो सकते हैं, और अब पता चला है कि शाहिद और मीरा राजपूत नहीं जाने वाले हैं हनीमून पर, शादी से पहले ही मलेशिया में ये छुट्टियां मनाएंगे। यस, बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर और दिल्ली गर्ल मीरा राजपूत की शादी अगले महीने की 10 तारीख को होने वाली है। खबरों की माने तो ये शादी बहुत ही सीक्रेट सेरेमनी होगी, जिसमें लड़का और लड़की दोनों की तरफ से कुछ बहुत ही सिलेक्टेड फ्रेंड्स को बुलाया जाएगा। हालांकि शादी के बाद शायद एक ग्रैंड रिसेप्शन दे सकते हैं। हमारे खबरूस की माने तो शाहिद और मीरा हनीमून पर नहीं जाएंगे, इसका कारण है उनकी अपकमिंग फिल्म शानदार। शादी के सारे कार्यक्रमों से फ्री होते ही शाहिद शानदार में अपनी को स्टार आलिया भट्ट के साथ फिल्म के प्रमोशन में जुट जाएंगे। अब सवाल उठता है कि मीरा इस दौरान क्या करेंगी। तो हमारे खबरूज ये भी बताते हैं कि वो शादी के बाद जुहू में अपने नए फ्लैट को सजाने संवारने में बिजी हो जाएंगी, जो शाहिद ने पिछले साल ही खरीदा है। शाहिद और मीरा हनीमून पर भले ही ना जाए, लेकिन कुछ दिन पहले आईफा अवार्ड्स के दौरान दोनों मलेशिया में थे और पता चला है कि शाहिद मीरा को अपने साथ मलेशिया ले गए थे। हालांकि इस दौरान वो मीडिया से उन्हें छुपाते रहे, लेकिन शाहिद ने इस दौरान मीरा के लिए अलग होटल में रूम बुक करना था। कहा जा रहा है कि ये दौरा उनके लिए मिनी वेकेशन के जैसा था। वेकेशंस हो गई, अवार्ड्स हो गए, शादी होने वाली है और उसके बाद फिर जुट जाएंगे काम पर। एक सेलिब्रिटी की जिंदगी का यही सच है, जस्ट लाइक एवरीवन else।